नमस्कार दोस्तों। देखिए, वर्तमान समय में फिर बहुत सारे प्रतियोगियों के मस्तिष्क में कई तरह के नए नए सवाल पैदा होने लगे हैं। जैसे जैसे पिछली परीक्षाओं के परिणाम आ रहे हैं और नई भर्तियों की सुगबुगाहट है, नई भर्तियों के लिए विज्ञापन आने की तैयारियां हो रही है, उसी दौर में फिर हम में से बहुत सारे प्रतियोगी वो हैं जो कि भ्रमित हैं क्या करें और क्या नहीं करें। विशेष रूप से हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि हमारे सामने अभी जो परिस्थितियाँ बनी हुई है उनके अनुसार व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए पूरी पूरी संभावना बनी हुई है, शिक्षक ग्रेड सेकंड के लिए पूरी पूरी संभावना बनी हुई है। इसी प्रकार से शिक्षक ग्रेड थर्ड के लिए और रीट के लिए, इसी के साथ में संस्कृत शिक्षा विभाग से भी ग्रेड थर्ड के लिए भर्ती आने की संभावना जो है बनी हुई है। और ऐसी स्थिति के अंदर ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे प्रतियोगी काफ़ी कन्फ्यूज हैं। समस्या उन लोगों के सामने सबसे बड़ी है जो नए हैं, यानी जिनको पहली बार किसी एग्ज़ाम के अंदर बैठना है, पहली बार तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा कन्फ्यूजन का विषय है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि आखिर हमें किसकी तैयारी शुरू करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। हम बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले व्याख्याता को लेकर के। दोस्तों, व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी उन प्रतियोगियों को करनी चाहिए जो या तो ऑलरेडी ग्रेड सेकंड या थर्ड की परीक्षाओं को पास कर चुके हैं और वहाँ पर शिक्षक के रूप में या तो पद स्थापित हो गए या होने वाले हैं, क्योंकि उनके लिए फिर यही विकल्प सबसे बेहतर बचता है। दूसरे नंबर पर जिन लोगों का सब्जेक्ट बहुत पावरफुल है, यानी कि फर्स्ट पेपर तो हमारा हमें करना ही करना है, लेकिन साथ में जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट हमारा कमज़ोर है तो फिर ऐसी स्थिति में दिक्कत हो सकती है। आपने सुना होगा कि पीछे के जो रिज़ल्ट अभी आए हैं फर्स्ट ग्रेड के, उनमें कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें पूरी सीटों के लिए भी विद्यार्थी नहीं मिल पाए हैं, प्रतियोगी नहीं मिल पाए हैं। ऐसा इस वजह से हुआ कि वो सब्जेक्ट के अंदर 40% जो अंक लाने थे वो नहीं ला पाए। इसका मतलब ये सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में आना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट बहुत मजबूत होना चाहिए और साथ ही साथ हमारा फर्स्ट पेपर भी हम बहुत अच्छे से कर लेंगे। उन प्रतियोगियों को व्याख्याता भर्ती परीक्षा की ओर जाना चाहिए। दूसरा, व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए इसलिए भी जाना चाहिए कि सबसे पहले और सबसे ज़्यादा संख्या में इस बार भर्तियाँ जो आने वाली है वो व्याख्याता के लिए आने वाली है, यानी इन भर्तियों में सबसे पहले जो संभावना है वो भी व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए और सीटें भी इसमें 10,000 प्लस होने वाली है। इसलिए जो व्यक्ति इसके लिए योग्य हैं, जिसने पीजी किया हुआ किसी सब्जेक्ट में और जिसमें ग्रेड फर्स्ट के लिए विज्ञप्ति आने की संभावना है और उसका सब्जेक्ट बहुत मजबूत है, तो उसको अभी से इसमें जुट जाना चाहिए और उनके लिए सबसे बेहतर विकल्प है। एक नया विद्यार्थी है जिसने बीएड कर लिया है और जो पीजी भी कर चुका है, पहली बार दे रहा, उसके लिए भी ये विकल्प बुरा नहीं है। वो भी इसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर सकता है, बशर्ते उसका सब्जेक्ट बहुत अच्छा और फर्स्ट पेपर की अच्छे से वो तैयारी कर सकता है। फर्स्ट पेपर में इसमें क्या, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, जीके आदि, तो थोड़ा सा कई लोगों में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अगर थोड़ी सी आप मेहनत करते हैं तो इसके 2-3 सब्जेक्टों के आधार पर भी आप फर्स्ट पेपर को क्लियर कर सकते हैं। इसको लेकर के पहले एक वीडियो के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास भी किया है कि फर्स्ट पेपर में किस तरह से आप 40% से ज़्यादा अंक आसानी से ला सकते हैं। दोस्तों, बात आती है ग्रेड सेकंड की। ग्रेड सेकंड की तैयारी उन विद्यार्थियों को करनी चाहिए जिन विद्यार्थियों ने अभी ग्रेड सेकंड दिया है, उसकी बहुत अच्छी तैयारी की है और कुछ अंकों से, कुछ फासले से वो उसमें चूक रहे हैं।
तो उनको तो करनी करनी चाहिए, क्योंकि जो कमज़ोरी उनकी रही है उसको बेहतर तरीके से अब दोबारा से ठीक करके आने वाले जो है समय में, आने वाली भर्ती में अपने आप को सफल बना सकते हैं। दूसरा उनको भी करना चाहिए जिनका फर्स्ट पेपर प्लस सेकंड पेपर दोनों काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि ग्रेड सेकंड में फर्स्ट पेपर जो होता है वो भी काफ़ी जो है महत्व रखता है। 100 प्रश्नों का वो पेपर होता है जिसमें जीके जो है उसका बड़ा रोल है, साइकोलॉजी में भी लगभग 20 प्रश्न उसमें आते हैं तो उसका भी बड़ा रोल है। इन जीके में और साइकोलॉजी में अच्छा अगर आपका कमांड है तो आपको उसी को चुनना चाहिए। और साथ ही साथ आपको ये भी देखना दोस्तों कि आपका जो सेकंड पेपर है सब्जेक्ट वाला वो भी ठीक ठाक मजबूत होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी एवरेज आपको कितने नंबर लाने लाने पड़ेंगे, मिनिमम 40%, तो उस दिशा में जाना चाहिए। वो व्यक्ति जिसने पहली बार बीएड किया है और बीएड करके पहली बार एग्ज़ाम देने के लिए वो तैयार हो रहा है, उसको भी ग्रेड सेकंड की ओर जाने की ज़रूरत है, जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि अगर उसने अभी पीजी नहीं किया है तो उसके लिए एक अच्छा और श्रेष्ठ विकल्प क्या है? ग्रेड सेकंड का। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें हमारा जीके बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारा साइको भी इसके अंदर बहुत अच्छा होना चाहिए, और सब्जेक्ट जो है वो भी हमारा काफ़ी अच्छा होना ज़रूरी है, तब जाकर के हम ग्रेड सेकंड के लिए बहुत अच्छे से कर पाएंगे। हालांकि ग्रेड सेकंड में अभी तत्काल विज्ञापन आने की संभावनाएं बहुत अधिक नज़र नहीं आती है, लेकिन फिर भी देर सवेर आएगी ज़रूर, और उसके लिए आप अभी से अपनी तैयारी को मजबूती से कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है दोस्तों ग्रेड थर्ड के लिए। ग्रेड थर्ड के लिए तत्काल कोई विज्ञापन आने की संभावना नज़र नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि ग्रेड थर्ड से पहले रीट का एग्ज़ाम होना ज़रूरी है, पात्रता परीक्षा होना ज़रूरी है। इसलिए ग्रेड थर्ड की तैयारी करने वाले जो लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी हैं, जिनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, उनको ग्रेड थर्ड की तैयारी में जुट जाना चाहिए, बशर्ते तो वो पहले से रीट पास आउट हैं, रीट में पात्रता परीक्षा उन्होंने सफल कर ली है। लेकिन जो व्यक्ति पहली बार ग्रेड थर्ड की तैयारी करना चाह रहे हैं, जिन्होंने अभी बीएड बीएससी से आदि किया है, तो दोस्तों उनका फोकस पूरा किस पे होना चाहिए? रीट पे होना चाहिए, क्योंकि अध्यापक पात्रता परीक्षा में भी बहुत से लोग चूक गए थे, और जब वो अध्यापक पात्रता परीक्षा को सफल नहीं बना पाए तो ग्रेड थर्ड के लिए वो योग्य नहीं थे। इसलिए बहुत से लोग जो कि ग्रेड थर्ड में आसानी से सफल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने पात्रता परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं की। तो आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है कि पात्रता परीक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हमें सबसे पहले जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए इसी की ओर ध्यान देना चाहिए। पात्रता परीक्षा में हम बहुत आसानी से कैसे पात्रता को सिद्ध कर सकते हैं, इसको लेकर के अभी कुछ ही दिनों पहले एक वीडियो मैंने दिया था, उसको आपने देखा होगा। उस वीडियो में ये बात स्पष्ट रूप से बताई गई है कि कैसे हम बहुत आसानी से अपने 60% अंकों को प्राप्त कर सकते हैं, और एक अच्छी रणनीति के साथ में उनको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों रीट की पात्रता परीक्षा के लिए पहले एग्ज़ाम होगा, और उसके एक अंतराल के बाद में ग्रेड थर्ड का होगा, इसलिए आप लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि इसमें पास होंगे तो ही हम ग्रेड थर्ड के लिए योग्य होंगे। इस तरह से दोस्तों ये 4 परीक्षाएं आप लोगों के सामने, और इनमें से जिसके लिए आप अपने आप को ज़्यादा अच्छा समझ रहे हैं, जिसमें आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं, उसको आपको चुनना चाहिए। 2 नावों की सवारी कभी सफलता तक नहीं ले जा सकती, इसलिए आपको 2 दिशाओं में बिल्कुल मन नहीं बनाना है, एक दिशा में मन बना करके उसी को फोकस करते हुए तैयारी में लग जाइए। बार बार बदलिए मत, कभी सेकंड ग्रेड, कभी थर्ड ग्रेड, कभी रीट, कभी फर्स्ट ग्रेड में नहीं जाना। जिसको आप बेहतर कर सकते हैं सिलेबस को लेकर देखिए, बैठिए, समझिए, 2 दिन लगाइए, 3 दिन लगाइए, और जब आपको समझ में आ जाए कि इसको हम सबसे बढ़िया कर सकते हैं, उसी के ऊपर आप ध्यान दीजिए। अब रही बात दोस्तों संस्कृत शिक्षा विभाग की, संस्कृत शिक्षा विभाग की विज्ञप्ति जो है इसकी आने की पूरी पूरी संभावनाएं जुलाई महीने से चल रही है, लेकिन जुलाई निकल गया, अगस्त निकल गया, अभी भी कोई सूचना नहीं है। अब इस महीने में, सितंबर के महीने में, ऐसा माना जा रहा है कि सुनिश्चित रूप से इसके लिए विज्ञापन जारी हो ही जाएगा, क्योंकि अक्टूबर के महीने से आचार संहिता लग जाएगी, और चुनाव आचार संहिता लगने के बाद में विज्ञापन आना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए, रीट पात्रता परीक्षा के लिए, और संस्कृत विभाग की ग्रेड थर्ड की जो भर्ती है उसके लिए इसी महीने में विज्ञापन आना लगभग तय सा लग रहा है। इसलिए आप लोगों को अपनी अपनी तैयारी में जुट जाना चाहिए, और किस में आप बेहतर कर सकते हैं उसी दिशा में आपको प्रयास करना चाहिए। दोस्तों प्रयास व्यक्ति को सकारात्मक रूप से करते समय ये देख लेना चाहिए कि जो प्रयास उसके द्वारा किए जा रहे हैं वो उसके खुद के लिए कितने सार्थक हैं,
और खुद उनमें किस तरह से बेहतर परिणाम ला सकता है, तभी जाकर के हम सकारात्मक परिणाम लाते हैं। हम कई बार दूसरों के कहे के अनुसार जब कर लेते हैं तो दोस्तों दूसरा दूसरे के हिसाब से बताता है, हमें अपने को भी सोचना। मैंने अभी कहा कि आप लोगों को सब्जेक्ट मजबूत हो और फर्स्ट पेपर ठीक से कर सकते हैं तो व्याख्याता सबसे अच्छा विकल्प है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि सच में आप खुद किसके या किसकी तैयारी के लिए अपने आप को बहुत बेहतर साबित कर सकते हैं, तो ही आपको वो चुनने की आवश्यकता है, तभी जाकर के हम बेहतर परिणामों को प्राप्त करेंगे। दोस्तों इन सभी के लिए एक बार अपना मानस बनाइए और फिर प्रत्येक की तैयारी को लेकर के हमारी क्या बेहतर रणनीति हो, किस तरह से विज्ञापन आने के बाद कितना समय हमें मिल सकता है और कैसे हम उसमें अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं, इसके लिए भी हम बात करेंगे। और अभी पिछले परिणामों में सफल जो विद्यार्थी हो रहे हैं उनमें से कई विद्यार्थियों के साथ में मैं बातचीत कर रहा हूँ और उनसे बातचीत के आधार पर उनकी तैयारी किस तरह से उन्होंने की और कैसे वो सफलता तक पहुँचे, इनके कुछ खास टिप्स भी आप लोगों के लिए मैं उन लोगों से जुटा कर लाने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को अपनी तैयारी में और बेहतर उनसे मदद मिल पाए और आप सकारात्मक परिणाम ला पाएँ। मिलते हैं दोस्तों फिर नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।